समय कौन होती आम जनसंख्या वृद्धि पाँच से समय ऑटोमेटिक कौन हो आम गच्छ पच आम सब का जनसंख्या वृद्धि हवा सहित गच्छ भी काटि दौचे तो से कौन आम परेशर कौन सामंजस्य रही जमी देखिए एवं पुणी गोटे अर्डर कर चौदह वर्षा हाँ के देखिए वर्षा हुए शीत दिन में वर्षा हाँ डिसेम्बर मस गए बात आस बुझे तो यही मानने जदि आम गच्छ को काटि चल रेगुला बेसीस तो आम यही प्रकार सब महामारी आस महामारी हबार प्रथम कारण हूँ आम परेश सहित खोल गच्छ काटा हूँ प्रधान यहाँ कारण जोटा कि महामारी को निमंत्रण कर बुझे तुम देखी थो ए सका जो उठु तुम हस्टेल रो घर पाखे रोच तो आउ देखु ये काउ देखा जा सका देख गाँ मान सब काउ आस सब राबंदी आदर आम जापर जे सकाटा है काउ ना घरचटिया चढ़े जो पोक को मारी दिखे जो छोट छोट पोक हमें सी पोक को मारीदे धान चाष को इफेक्ट कैन तेनाली से गुडाक बंची से गोटे चकड़ा गोटे कीट आसुची धान फसल को नष्ट कर बुझे बुझे तो लोक चाषी तार परिश्रम कर चलना चकड़ा पोक धान खाई चल तो परेश सहित जिते आम कौन प्रकार खेल सी भी आमको साइड इफेक्ट पक तुम तो देखी थो उत्तराखंड जिते बना है बहुत जोर तो से लोक घर सब भाषीगला कितनी भाविहार था से जो घर आोटेल सब होता से जो घर आोटेल टा आकचुअली कौटी होता से कौन करते जो जगार पा जावा कथा से देखिए दस वर्ष पंद्रह वर्ष पा जाऊनि से माड़ी 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 घर करते काटी ब्रिज तुम जाऊ कटक अच्छा देख हाँ तो से पोतिक घर कर देखे जो आईपी रोड पोतिक घर कर देना जो जोर से बनी आसो से सैड जो बस थे बस भाषिक पड़े खसी बाली गुटा कि नदी पटा कि कौन कल गवर्नमेंट कौन कला पोतिक आश्रय देदेला कि आम कौन कल गोटे कृत्रिम उपाय से जिनसा प्रस्तुत कले कि जिते बड़े गोटे भयानक अवस्था आसो से जो लोग थी से लोक मरीजी दैन जीवन आने तो यहाँ है कौन प्रकृत जो जेक रहा कथा आम से स्पेस नदे जो कह तो आसुनी आम मारी जावा सी अटोमेटिक कौन हम ना आमको जो कौन प्राकृतिक दुर्विपाक हम आम बस नहीं बुझेगा तो से कहुए आमको सबुज विप्ल से ही आरंभ है मैंने गच फच संरक्षण आसला एवं देख तुम्हें मैंने जी रिमोट एरिया रोच केउर कि जो सेपट सैड अनुगुल यही सब जगार तुम आड़े जंगल अधिक अच्छे क्या आड़े जंगल अधिक अच्छे जंगल अच्छे आम कौन देखे खाली कोठा वाड़ी जंगल देखे जुआड़े बुल खाली कोठा देख गई वर्षा है तुम खोज कौटे आदमी चाषी कि तुम घर आड़े देख वर्षा है तुम जा गच तब ठिया बुझे से खरा दिन शांति लगे बस है एसी एसी लगे बस छुट्टी फुटी समस्त गाँ एनमेंट को तो प्रत्येक जिनस मानने उपकारिता अच्छी अपकारिता भी अच्छे सब आम जिते मॉडर्नाइज हवा ताले बड़ बड़ घर हवा दरकार बड़ बड़ डाक्तरखाना हवा दरकार से गच भी बोली पड़े गच जो बोली पड़े तार भी साइड इफेक्ट आस बुझे कौन हो महानदी नदी पटा पोतिकी कौन आम जो खेल क्रिकेट तो से सब बाली पड़ी ना बाली पड़ी से एससीबी मेडिकल द्वितीय बिल्डिंग हम मन कर जो जोर से वर्षा है गोटे अका आसा जितक सब रोगी थे पानी बासी आसिका हाँ समुद्र मैंने बिना टिकेट रे सीप रे पड़े पड़े बुझे संबित घर पकड़े पहुंचे मिसीबे से समुद्र बुझे तो से ही जो ग्रीन रिवल्यूशन आसला एन मिड सिक्सटी उन्नीस षाठी मसीहा द ट्वेंटीएथ सेंचुरी इंडियन एग्रीकल्चर अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फार्म प्रैक्टिस टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी उन्नीस षाठी मसीहा कौन है ना यो सबुज विप्लवटा आरंभ है उन्नीस षाठी मसीहा जो षाठी मसीहा आरंभ है से कौन कले जो ट्रेडिशनल वे जो चाष करा जाऊला
ତାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଉନ୍ନତିକରଣ ବା ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସେମାନେ ଚାଷ କଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତୁମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚାଷ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ଦେଖ, ଚାଷ ଜମି କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ? ତମର ଯୋଉ ଧାନ ଫାନ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଛ, ବିଲ ବିଲ ଯାଇଛ କେ କଟିଛ? ଲଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଏ? ଲଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତ ବେସିକାଲି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଥିଲା, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶିଲା ସେ ଆମ୍ପୁଡି 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 ପଳେଇଲା, ବୁଝିହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଥିବ, ତାକୁ ବସିକି ବଳଦକୁ ବାଡ଼େଇ 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 ଯାଉଥିବ। ହଁ, ଯୋଉ ଚାଷୀ ସେ ଚାଷ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଖରାବେଳକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିକି ପଟା ନେଇକି କରିଦେବ, ସେ ଗଛ ମାନ ହାତ ଧରି ଖାଇକି ପୁରି ଲାଗିଯିବ। ତ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଡିଜେଲ ପଇସା ଦେଇଦଉଛି, ସେ ଘର ସକାଳ ଉଠିଲାକୁ ସେ ଘର ଘର ହଉଥିବ, ହଁ ସେ ଚାଷ କରିଦେଇକି ପଳଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ ଆସିଲାଣି, ସେ କଣ କହିଛି ନା ଗଛ ଗୁଡାକ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ସବୁ ଆସିଲା, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଆରାମସେ ଚାଷ କରିପାରୁଛେ ବା ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଷ ଚାଷ କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଅଧିକ ହଉଛି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଚାଷ ଜମିରେ ବି ଘର କରିଦଉଛେ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଘର ତମେ ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତାରେ, ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ସେଠି ଧାନ ଗଛ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିବ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁଡାକ ମାନେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଯେତେ କମି ଯାଉଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗେଇବା? ତ ସେଇ ଖାଇବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କିସମର ସାର ଦରକାର, ଉନ୍ନତ କିସମର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି କମ ସମୟରେ ଚାଷ କରିଯାଇଥିବ। ତା ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଚାଷ କରିବ, ସେ କେତେଟା ଜମି ଚାଷ କରିପାରିବନି, କିଛି ଜମି ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆସିଗଲା କଣ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଗଲା। ଏବେ କଣ ଆସିଲା ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ କଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ହେଲିକ୍ୟାମ୍ ବା ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅଛି, ସିଏ କଣ କରିବ ନା, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଧରିକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବିଷ କୀଟନାଶକ, ସିଏ ମାଠ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତମେ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଥିବ, ଗାଡି ଯାଇକି ସିଏ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସବୁ ପବ୍ଜି ବି କାମ ଦେବ, ବୁଝିଲୁ, ସବୁବେଳେ କାମ ତାର ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିହଉଛି। ମାନେ ଟିପାଟିପି କରିବା ତମ ଭାବେ ବାପା ମାନେ ଟିପୁଛୁ, ତାର ଟିପି ଯାଉଛି, ମୋର ଟିପି ଗାଡି ଚାଲା, ସେ ଯାଇକି ତାର ପୁଣି ଭାଇ ପଳେଇ ପ୍ରଥମତଃ କଣ ହେଲା ନା ସାତଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ 1960-61 ମସିହାରେ ସେ କଣ କଲେ, ଯେ ସାତଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବା ସାତଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ସେ ପକେଇଲେ, ଆଗ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଆସିଯାଇନୁ, ତାଙ୍କ ଯଦି ଲକଡାଉନରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ୱେଟିଂ କରିଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତ ବାହାରିଗଲା, ଏବେ ବିଲେଇ ଦେଖାରେ ଘଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିବ କିଏ, ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା କିଏ ନବା କାଳେ ମରିଯିବି, ବୁଝିଲା। ଆମେ କଣ ହଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଆଗ ଦେଖୁ ମାନେ ଆକୁ ଆକୁ ଦିଆହେଲି ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଲା ତାପରେ ନବା, ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ନା, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇପାରିବେ, ତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମାନେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ମଜା ଦେଖିଥିବ ସମାଚାର ବାହାରିଲା, ଟୀକା ନେଲେ କେତେଟା ଲୋକ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଥାଇ ଚାଟିଆ ଚାମଚ ନିଜ ଦେହରେ ଦେଖ, ଆମ ଦେହରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆସୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଦେଖିନ, କି ଗୋଟେ କଏନ ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖ କଏନ ଆସି କୋଉଠି ଯାଇକି ଝାଳ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଆସି, ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଖ କଏନ ଲାଗିବ, ହଁ। ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ସବୁ ଯୋଉ ତାଟିଆ ଯୋଉ କଡ଼େଇ ସବୁ ଲଗେଇଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ, ହଁ, ମାଟ ଖାଇକି ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ହଁ, ଝାଳ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲାଗିଯାଉଛି ସବୁ ଚୁମ୍ବକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଯେମିତି କଣ ହେଲା ନା, କେତେଟା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଗଲା। ତ ସେମିତି କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମ କିଛି ମଡେଲ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ନେଲେ, ସେଠି ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ତାପରେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏହାକୁ ଯିବେ। ତ 1960-61 ମସିହାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ,
ना सातटा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टा कले ए प्रोग्राम टा को कहगला कौन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेटर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज आल्सो एडेड व्हिच वाज एक्सटेंडेड टू होल इंडिया हाई यील्डिंग माने तापर कौन हला एक प्रोग्राम परे से माने कौन कले आउ गोटे नीति बाहर कले जहाद्वारा कौन हला आमर अमलटा अधिक जो जगह आमर अमलटा अधिक हम ताकि मन लगे बुझेगा जो जगह अमलटा रही तो लेटर हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम वाज आल्सो एडेड व्हिच वाज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एज ए रिजल्ट इन 1966 देयर वाज ए स्पेक्टाकुलर इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन इन पंजाब पंजाब में ये जो हाई यील्डिंग प्रोग्राम पे अधिक उत्पादन हमारा हला हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर क्रॉप्स एंड अदर पार्ट ऑफ द तो हरियाणा आउ पंजाब रे ए प्रोग्राम टा बेसी इंप्लीमेंट करा तो देखिबो हरियाणा पंजाब रे बेसी चासी लोक थांदे जो स्टाइल माने जो करे पढाइले बेसी हरियाणी पंजाबी सब आसे जो देखत ना हमर कृषि बिल को समस्त विरोध करले ए जो पंजाब माने सच माने एक्चुअली पंजाब रो लोक नथे माने हरियाणी पंजाबी बोली पढबे ए जो देखिबो हमर ए पट साइड रे सब ताला चाबी धर के जो बुझि गबे पंजाबी गडे तमे पंजाबी को बट से माने हरियाणी करते बुझेगा कपिल देव हरियाणा पंजाब बुझे मैंने पंजाबी से कि हरियाणी पंजाब नहीं लिखा क्वेश्चन किसी लिखा अच्छा तुम भितर संस्कृत भी नहीं अच्छा तो मैडम आसवे तो रहा एजुकेशन कि नहीं पिला गोटे बजे छुआ आसना भी ना सार को मना कर गोटे मिनट अच्छा एबे लिखिबा क्वेश्चन आ लिखिबा राधा कितने In which year the new technology in agricultural program the new technology in agricultural program has introduced ग्रुप
कृषि क्षेत्र रे नूतन प्रजुक्ति विद्या कृषि क्षेत्र रे नूतन प्रजुक्ति विद्या प्रणयन करा जायतिला केउ मसिया रे कृषि क्षेत्र रे नूतन प्रजुक्ति विद्या प्रणयन करा जायतिला प्रयोग करा जायतिबा नूतन प्रजुक्ति विद्या को 1961 मसिया रे प्रयोग करा जायतिबा नूतन प्रजुक्ति विद्या को नूतन प्रजुक्ति विद्या को कौन कहा जाउथिला ओ एथिरे केतोटी जिला रहीथिला आंसर होची जिला सघन कृषि कार्यक्रम आंसर होची जिला सघन कृषि कार्यक्रम और केतोटी जिला थिला सातोटी जिला सघन कृषि कार्यक्रम और सातोटी जिला रहितो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन 1960 to 61. What is the name of new technology introduced in 1960 to 61? And how many districts are? And what is the name of new technology introduced in 1960 to 61? What is the name of new technology introduced in 1961 in agriculture and how many districts jo spelling no asko pachaliba spelling mistake koriwani and how many districts are present in this program प्रोग्राम नाटा कौन प्रोग्राम नाटा होची इंटेंसिव INTENSIVE इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पहली क्वेश्चन आपसी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल AGRICULTURAL डिस्ट्रिक्ट DISTRICT प्रोग्राम PROGRAMME प्रोग्राम कॉमा तापर कितना डिस्ट्रिक्ट थिले ना सेवन डिस्ट्रिक्ट ओके उन्नीस सौ छठ मसीह राज्य
1961 which agricultural product production is increased and in which state पंजाब हरियाणा फास्ट लिखिबो व्हीट तमे लिखिबो गहम उड़िया लिखिबो गहम इंग्लिश लिखिबो व्हीट डब्ल्यू ए जी ए टी आ को को राज्य रे हितला पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी पढ़वा व्हाट इज दस मिनट पर सेम लिंक रे जॉइन कर दस मिनट पर लिंक टा कटिज जॉइन कर सेम लिंक रे हम 45 मिनट रहते ओके सबुज विप्लवर अर्थ कौन कृषि क्षेत्र रे कृषि साधन सामग्री व्यवहार कृषि उत्पादन और उत्पादक अभिवृद्धि और उभय क्षेत्र रे संगठित वैप्लविक परिवर्तन को सबुज विप्लव कहुआली आसवा सबुज विप्लव कौन सबुज विप्लव कृषि कृषि उत्पादन टाक बढ़ावा बुझेगा कृषि क्षेत्र में कृषि प्रधान सामग्री व्यवहार कृषि प्रधान सामग्री टाइम व्यवहार करवा कृषि उत्पादन कृषि टाइम अधिक उत्पादन हम
उत्पादकतार अभिवृद्धि यही उभय क्षेत्र में संगठित वैप्लविक परिवर्तन। वैप्लविक परिवर्तन माने धर आज गोटे चाष जमीर मु गोटे क्विंटल चावल पाउची जदि मु किछि नुआ टेक्नोलॉजी व्यवहार करके जदि मु आउ टिके आगु बा अधिक फसल बा 10 बस्ता कि 20 बस्ता कि ताको गोटे 10 12 क्विंटल मु जदि धान पाई जाउची ताको कुआ जो वैप्लविक परिवर्तन बुझेला। एबे देखो व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ओडिया लेख सबुज विप्लवर अर्थ कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और तुम्हें लेख सबुज विप्लव कहा कह जाए तुम फास्ट लाइन टा जो अच्छी बहरे लिख लिख द सडन एंड स्पेक्टाकुलर, द सडन SUDDEN कौन है कौन पत्र तू तो सडन वैप्लविक परिवर्तन कर agricultural production 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 and productivity in India due to the application of modern agricultural imports in mid 1960 is called green revolution. कृषि क्षेत्र रे कृषि प्रधान सामग्री व्यवहार ओ कृषि उत्पादन उत्पादकता रे अभिवृद्धि यही उभय क्षेत्र रे संगठित वैप्लविक परिवर्तन को सबुज विप्लव कहा जाए
वैप्लविक परिवर्तन को सबुज विप्लव कह जाए। अच्छा कौन कौन परिवर्तन है जो वैप्लविक परिवर्तन हमें कहे कौन कौन परिवर्तन है देखा आते कौन कौन परिवर्तन है। कृषि प्रधान सामग्री प्रयोग क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन संगठित है ताला अधिक अमलक्षम बिहन प्रयोग रासायनिक सार व्यवहार जलसेचन सुविधा कीटनाशक औषध प्रयोग ट्रैक्टर भाई आधुनिक यंत्रपातिर व्यवहार इत्यादि। प्रथमत है अधिक अमलक्षम बिहन तो तुम देख एन आर आई को जा एन आर आर आई नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आगुरी थी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जाइ कटक पिला कि जाइ आम घर को जाइए पोल से पड़े आउे गले देखे तो सही से कौन हुए से तुम देख रही बंधन है जो बढ़िया मजा जिते बंद होते बढ़िया मजा पूरा मेला जाए सब खाइबा पड़िया।